भक्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें, 2024 में इस साल माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। पालकी की सवारी को शुभ माना गया है, हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार, अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम न ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी पर होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:21 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है, जो भी स्त्री नवरात्रि के दौरान कर लें, यह 2 छोटे से काम उसके जीवन के हर कष्ट को मैं खुशियों से भर दूंगी। मैं उसका घर, उसकी हर मनोकामना को मैं कर दूंगी पूरा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रि आ पड़ती है और हर नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती प्रवास करने आती है, परंतु शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा जी पालकी पर धरती पर वास करने आती है। ध्यान रखिएगा, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी माता रानी की धरती पर वास करने आती है, उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के पालकी को अपने वाहन के रूप में लिया हुआ, तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है और ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रि यहाँ पड़ती है, परंतु हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है, क्योंकि इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, और शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि माता रानी जी के लिए व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और माता रानी जी की असीम कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी इंसान माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है, तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट, संकट, विघ्न, बाधा जड़ से नष्ट हो जाता है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में माताओं के लिए, बहनों के लिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है, जो यदि माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लें, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी कन्याओं को शीघ्र ही माता रानी जी का वरदान और वो आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके पश्चात उनके जीवन के हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आती हैं। देखिए भक्तों, वेद पुराण में तो साफ साफ यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि किसी भी नवरात्र के दौरान माताएं बहनें माता रानी जी को सच्चे दिल से पुकारती हैं, तो माता रानी जी उनके घर पर वास करने अवश्य जाती हैं। उनकी केवल एक पुकार पर ही उनके जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है और यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें वेद पुराणों के अनुसार वह उपाय कर लें, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से माताओं बहनों के परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दोस्तों, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे महिला हैं, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से, श्रद्धा से अंत तक बिना भगाए देखिएगा।
क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानकारी आपको वेद पुराणों के अनुसार देने जा रहे हैं, और यदि आपने इस जानकारी को प्राप्त करके नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके उन उपायों में से एक भी उपाय कर दिया जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आप अपने जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या में फंसे हो, कितनी ही बड़ी आपकी मनोकामना हो, कितना भी बड़ा दुख हो आपके जीवन में, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर प्रकार की दुविधा से आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। और इन उपायों को करने के पश्चात मान के चलिए न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा ही आएगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान वह कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो यदि किसी भी घर की महिला कन्या कर लेगी तो मान के चलिए माता रानी जी की असीम कृपा उस महिला पर, उस कन्या पर सदैव बनी रहेगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से वह महिला, वह कन्या अपने जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, और इसके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से उसको बहुत सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति होगी, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कॉमेंट बॉक्स में जाइए और जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिखिए। और यदि आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदीय नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वो के हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो यदि आप महिला हैं, यदि आप कन्या हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वेद पुराणों के अनुसार आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आएंगे। तो वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रख लेना, यदि आप अपने घर पर कलश स्थापना करने जा रहे हैं, यदि आप अपने घर पर माता रानी जी के लिए अखंड ज्योति जलाने जा रही है, या आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी माता रानी जी की अखंड ज्योति को बूझने मत दीजिएगा। दूसरा, यदि आप कलश स्थापना करने जा रही है तो जटा वाला नारियल का प्रयोग कीजिएगा जिसमें पानी होता है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही है वह चौकी कभी भी छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, चौकी यदि आपने घर पर लगाया है तो चौकी को कभी भी खाली कभी मत छोड़िए, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी की चौकी घर पर लगाने जा रही हैं तो केवल लाल कपड़े पर ही लगाएगा। बहुत से लोग गलत कर बैठते हैं, क्या कर बैठते हैं, वह माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु चौकी पर पेपर लगा देते हैं, पेपर रख करके चौकी लगा देते हैं, यह हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ बताया गया है। यदि आप भी पेपर रख करके माता रानी जी के लिए चौकी लगा रहे हैं तो इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती और कभी भी आपके घर पर वो वास करने नहीं आएंगे। हाँ, माता रानी की चौकी यदि आप लगा रही है तो लाल कपड़े पर लगाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे लाल कपड़े का प्रयोग कीजिएगा जो पहले कभी भी प्रयोग न हुआ हो। तीसरा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी की पूजा पाठ करने जा रही है, माता रानी जी की आपने चौकी लगाई है, तो वहां पर कभी भी काले कपड़े का प्रयोग मत कीजिएगा, या माता रानी जी की पूजा पाठ करते वक्त काले कपड़े का धारण मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है, इससे माता रानी की शीघ्र ही रुष्ट हो जाती है। देखिए भक्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपने इस नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन का व्रत रखा हुआ है, तो 9 के 9 दिन में आप लोगों को माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग प्रकार के फल को अर्पित करना होगा। माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को आपको अलग अलग प्रकार के फूल अर्पित करना होगा, क्योंकि माता रानी जी की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है इस नवरात्रि के दौरान। और हाँ, यदि आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो पेट भर कुछ भी मत खाइए,
क्योंकि जिस व्रत में तपस्या न हो, संघर्ष न हो, वह व्रत कभी भी फल पलट करके नहीं देता है। आप यदि इन बातों का ध्यान रखें तो माता रानी जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। नवरात्रि के पूरे 9 के 9 दिन में घर में किसी भी व्यक्ति को नाखून काटने नहीं दीजिएगा। नाखून काटने वाली मशीन का प्रयोग नहीं करने दीजिएगा, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से भक्तों, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि माता रानी जी की पूजा में किसी भी तरीके के चमड़े की चीज का प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए भक्तों, होता क्या है, बहुत सी माताएं बहनें नवरात्रि का व्रत रखती हैं, माता रानी जी के मंदिर जाती है, चौकियों पर जाती हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। कृपया करके आप लोग कभी भी माता रानी जी के पंडाल पर जा रही हैं तो आप किसी भी चमड़े वाली चीज का प्रयोग मत कीजिएगा। जैसे बटुआ हो गया, बेल्ट हो गए, चप्पल हो गई, चमड़े वाली चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत रख रही हैं तो कृपया करके दोपहर में सोएगा नहीं। नवरात्रि के 9 दिन कभी भी दोपहर में सोया नहीं जाता है। यदि भक्तों आपने व्रत रखा है तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यदि आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता रानी जी की आपको कृपा भी मिलेगी। आपके व्रत का पालन करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको लाल कपड़े पहन करके माता रानी जी की पूजा करनी होगी। देखिए माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। यदि लाल रंग का प्रयोग करते हुए आप माता रानी जी की पूजा पाठ करेंगे तो आपकी पूजा सिद्ध भी हो जाएगा और आपका पूजा का पालन करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करने जा रही हो तो पूजा पाठ करने से चौकी के पास थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। गंगा जल का छिड़काव करने के पश्चात ही माता रानी जी की पूजा पाठ कीजिएगा, यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। यदि आप माता रानी जी की पूजा में माता रानी जी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करती है तो यह बहुत शुभ बताया गया है। देखिए लाल गुड़हल का फूल जो होता है, वही एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को एक साथ अर्पित किया जा सकता है। तो माता रानी जी की पूजा में यदि आप लाल गुड़हल के फूल का प्रतिदिन उनको अर्पित कर रही है तो माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए भक्तों, यदि आप अपने व्रत के दौरान में सीताफल का प्रयोग करेंगे तो इससे माना जाता है कि माता सीता जी का आपको असीम आशीर्वाद मिलता है और माता रानी जी को यदि आप सीताफल अर्पित करेंगे तो इससे भी आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थीं जिनका आपको ध्यान रखना है और नवरात्रि के दौरान करना है और आपको माता रानी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, वरदान भी मिलेगा और आपके जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का, दोस्तों माना जाता है। व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।